हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू यूजीसी नेट सी ट्वेंटी फोर सेवन चैनल मेरा नाम है अंशिका पांडे एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां हम कर रहे हैं एग्जाम बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश जो आपके एग्जाम में अभी हाल में क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी हो चुका है आपका एजुकेशन हो चुका है, कल आपका जो है कम्युनिकेशन हो चुका है और मैंने और क्या करवा दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया हायर एजुकेशन करवा दिया है कम्युनिकेशन करवा दिया है एंड एंड मैंने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट करवा दिया है और आज हम कर रहे हैं आईसीटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार यूजीसी नेट के पेपर में आए और उन कॉन्सेप्ट्स को एक रिवाइज के रूप में एक रिविजन के रूप में देखेंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते रहते हैं तो सभी लोग जल्दी से फटाफट पड़ से ऑनलाइन आ जाएंगे लाइव जुड़ जाएंगे मेरे साथ बिना किसी डिले किए बिना कुछ कोई भी डिले किए हुए ताकि हम क्लास को फटाफट से स्टार्ट कर लें चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे मेरी क्लास बस रोज दोपहर में कितने बजे होती है दो बजे कितने बजे दो बजे तो दो बजे की जो क्लास है आप सभी को उस क्लास में दो बजे अपना प्रेजेंस लगाना होगा अटेंडेंस यहाँ पर मार्क होगी ठीक है हाँ जी तो चलिए फटाफट पड़ से सभी लोग आएंगे क्लास को ज्वाइन करेंगे ताकि हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर लें चलिए क्या कर रहे हो भाई दो हो गए हैं हाँ आ जाओ आ जाओ फटाफट फड़ से आ जाओ क्लास में आ जाइए चलिए क्लास में आ जाइए जल्दी जल्दी एवरीबॉडी ओके गुड आफ्टरनून चलिए तो अभी आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार न्यूज़ है यहाँ पर मेरे पास कुछ और बच्चे जुड़ जाएं फिर मैं बताती हूँ कि ये धमाकेदार न्यूज़ आखिर है क्या बहुत ही कमाल की न्यूज़ है अड्डा की तरफ से पूरे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की टीम की तरफ से आपके लिए बहुत ही आ, एक न्यूज़ है आपके लिए और ये न्यूज़ कैसी है लाइक किस चीज़ से रिलेटेड है वो आप लोगों को पता चलेगा कब पता चलेगा वो आप लोगों को पता चलेगा 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तो हम यहाँ पर सिलेक्शन की क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं सिलेक्शन के रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो कि असंभव से संभव होने की बात हो रही है तो आप लोगों को सभी लोगों को सुबह 11 बजे 21 अक्टूबर को @247 youtube चैनल पर आना होगा यानी कि जो मेन चैनल है @247 youtube चैनल पर आपको आना होगा सुबह ग्यारह बजे इक्कीस तारीख मत भूलिएगा सभी को उस दिन प्रेजेंट रहना है क्योंकि कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी कुछ बहुत ही क्रांतिकारी हो रहा है आज तक अभी तक यूट्यूब हिस्ट्री में ऐसा किसी भी चैनल ने नहीं किया है किसी भी एटेक चैनल ने नहीं किया है और इतना अच्छा दिवाली से पहले जो आपको एक ये क्रांतिकारी ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है वो आज तक इससे पहले किसी ने भी नहीं किया है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है जो सिर्फ और सिर्फ अडा ट्वेंटी फोर सेवन पर हो रहा है तो सभी को अडा ट्वेंटी फोर सेवन पर आना होगा सुबह ग्यारह बजे 21 अक्टूबर को तो 21 अक्टूबर को डेट याद रख लीजिए और टाइम याद रख लीजिए जो कि 11 बजे है आप लोगों को लाइव सेशन ज्वाइन करना होगा चैनल पर और जैसे ही आप ये लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे कुछ बहुत ही अनोखा कुछ बहुत ही अद्भुत देखने को मिलेगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ कुछ होगा गिव अवे टाइप का तो मैं बता दू पहले ही आपको कि ऐसा कुछ हो भी सकता है और ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता है इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि मे बी ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हो यानी कि पूरी स्टोरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ठीक है तो पूरी पिक्चर देखने के लिए ये टिप ऑफ द आइसबर्ग पे नहीं जाना है कि क्या रेवोल्यूशन है क्या क्रांतिकारी है सभी यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या क्रांतिकारी होने वाला है सभी बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ टिप ऑफ़ आइसबर्ग है पूरी पिक्चर देखने के लिए आप सभी को आना होगा 21 अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे ट्वेंटी फोर सेवन चैनल पर ठीक है चलिए तो मैं हम एक्साइटेड हैं आई होप पूरा अंडर ट्वेंटी फोर सेवन एक्साइटेड है आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे क्योंकि एक्साइटमेंट की बात ही है ये जो सीक्रेसी है ये जो सस्पेंस है उस सस्पेंस को खोलेंगे हम उस सस्पेंस को रिवील करेंगे हम सुबह ग्यारह बजे इक्कीस अक्टूबर को प्लस बात यह भी है कि आप कैसे कैसे क्या क्या आ, आप लोगों के लिए क्या ऐसी चीज है क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है जो आपको यहाँ पर लेकर के लेकर के आएगा वो ये है कि ये बेसिकली ये जो पूरा रेवोल्यूशन है क्योंकि सिलेक्शन का रेवोल्यूशन है तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के व्यूअर्स के लिए ही है तो आप लोग इस प्राइज को खुद ही देखेंगे खुद ही महसूस करेंगे और ये रिवील हो जाएगा आप लोगों के लिए गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून चलिए तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं Uh, अगर आपने अभी तक अर ट्वेंटी फोर सेवन का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है देन प्लीज डाउनलोड कर लें बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है बहुत ही प्रीमियम फीचर्स आपको मिलते हैं जॉब अलर्ट्स के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिलता है कहीं इधर उधर भटकने की जाने की ढूंढने की तुझे ढूंढता हूँ मैं हर जगह है ना तो आपको ऐसी चीज़ों को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है बस अरव ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ट्वेंटी फोर सेवन चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो मैंने पेन का कलर चूज कर लिया था गलत तो मैं एक बार सही चूज करके यहाँ पे फिर से गोला बनाने वाली हूँ तो अगर आपने अभी तक यू जी सी नर ट्वेंटी फोर सेवन चैनल को डाउनलोड आ, को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम क्या क्या बातें करने वाले हैं आज के क्लास में आइए देखते हैं चलिए तो आईसीटी इन हायर एजुकेशन से आपको जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईसीटी का हायर एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट है सो आईसीटी इन हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो ये सबसे पहले बात करता है इम्प्रूविंग एक्सेस इम्प्रूविंग एक्सेस टू द सिस्टम थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आपको पता है कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं पूरे सिस्टम के एक्सेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं यानी सभी को एक एक क्वालिटी एजुकेशन मिले सभी को एजुकेशन बराबर से मिले और सभी इसको एक्सेस कर पाएँ इसलिए आईसीटी का एक बहुत ही बड़ा रोल है हायर एजुकेशन में इम्प्रूविंग टीचिंग क्वालिटी इन रिमोट लोकेशन यानी कि जो बहुत दूर के लोकेशन है रिमोट लोकेशन है आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी एजुकेशन को हर जगह पहुँचाना हर बच्चे तक पहुँचाना आई का ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है उसके बाद इम्प्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम प्रोसेस एंड कम्पलाइंस नॉर्म्स इन हायर एजुकेशन तो हायर एजुकेशन को पूरी तरह से इम्प्रूव करना है पूरी तरह से मजबूत बनाना है through ICT, maximize students performance and involvement, और जो बच्चे हैं उनके परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज uh, uh, करना, करना है तो ये आपका बेसिक आईसीटी का जो फीचर है वो आपको देखने को मिलता है इन हायर एजुकेशन ठीक है अगर हम बात करें वाई टू यूज आई सी टी इन हायर एजुकेशन आखिर क्यों हम यूज कर रहे हैं आई सी टी को हायर एजुकेशन में सो so बेसिकली ये कंडीशन हैं ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम आईसीटी को हायर एजुकेशन में यूज करते हैं सबसे पहले तो होता है आपका इंडिविजुअलाइज लर्निंग और आपको पता है इंडिविजुअलाइज लर्निंग का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर आ गया सबसे पहला चीज फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर आ गया ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया कैसा हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया उसके बाद कैसा हो गया ये कैसा हो गया ये डिस्कवरी मेथड से हो गया आप खुद से पढ़ रहे हो खुद से चीजों को सीख रहे हो सो दीज दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअलाइज लर्निंग को एनहेंस करता है और आपको पता है एक स्टूडेंट सेंट्रिक एक लर्नर सेंट्रिक स्टडी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सो दैट इज वाई इंडिविजुअलाइज लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है देन कम्स दी इंटर एक्टिविटी यानी कि आपका इंटरेक्शन कैसा है एक दूसरे के साथ में मास मीडिया के साथ में ऑल्सो विथ अ लॉट ऑफ ऑडियंस क्योंकि आपको पता है कि जब आई सी टी आता है तो आई सी टी में आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिलती है लार्ज ऑडियंस मिलती है तो एक इंटर एक्शन एक जो इंटरएक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है देन देर इज़ ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑब्वियसली चाहे आपका टीचिंग हो चाहे आपका हायर एजुकेशन हो हमें लर्निंग के आउटकम को बेहतर बनाना है सो दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ इन आप चाहो तो आप टेक्सट के फॉर्म में पढ़ो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में पढ़ो आप क्विजर्स के फॉर्म में खुद से अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो जैसे की स्वयं के चार भी कहते हैं ये चीज है ना तो ये सारी चीजें क्या बनाती है आपकी टीचिंग के फंक्शंस को बहुत ही ज्यादा मल्टीपल मल्टीप्लाई कर देती हैं, के को और यूनिफॉर्म क्वालिटी है, है तो वो टीचर फिर दूसरे बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन चीजें हैं तो ऑनलाइन जो आप मैटर कंज्यूम करते हैं वो सभी के लिए इक्वल होता है एंड दैट इज इक्वल टू एवरी वन जो भी इसे एक्सेस करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट एंड जो क्वालिटी है वो एक सार रहती है यूनिफॉर्म रहती है यानी कि एक जैसी रहती है ठीक है एक जैसी रहती है यूनिफॉर्म क्वालिटी की बात होती है अब अगर मैं आपसे पूछूं कि द पर्पज ऑफ आईसीटी यूज इन एजुकेशन इज यहाँ पर अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए कि क्या होना चाहिए द पर्पज़ ऑफ आई सी टी इन एजुकेशन इज टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम या फिर प्रमोट टेक्नोलॉजी और कल्चर इन टीचिंग क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वेरी गुड आफ्टरनून सुनील ओके तो हम एक प्रॉपरली आपको कॉन्सेप्चुअलाइज्ड वे में भी पढ़ाने पढ़ाने का स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करने वाले हैं अभी आज जो है वो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है तो कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर से आपके अलग अलग यूनिट्स से हम बेसिकली चीजों को एक्सट्रैक्ट करके पढ़ेंगे ठीक है हाँ जी वेरी गुड फिर दोस्त ऑप्टिमाइजिंग दी लर्निंग आउटकम सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन आए थे हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको डिवाइसेस से काफी क्वेश्चन आए थे तो अगर हम बात करें तो आपके जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, उसमें आपका पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं पेरिफेरल का क्या मतलब होता है जो आपकी पेरीफेरी में हो यानी कि कोने में दूर दूर हो तो पेरीफेरल मतलब दैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर है उससे आप वायर के थ्रू जो भी चीज़ें कनेक्ट करते हैं उसे हम पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं जैसे कि मोनिटर्स हो गए की हो गए माउस हो गए वेब हो गया जॉयस्टिक हो गया मॉडर्म हो गया स्कैनर हो, 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 हो गया और प्रिंटर हो गया तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं और ये पेरीफेरल डिवाइसेज होती हैं दूर दूर की डिवाइस होती हैं दैट इज़ वाई हम इसे क्या कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस पेरीफेरल मतलब कोई चीज जो कॉर्नर ऐसे

अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से जो कंप्यूटर आपको देता है आप इनपुट करते हो और आपको एक आउटपुट आउटपुट मिलता, मिलता है एक इंस्ट्रक्शन बैक मिलता है विच इज योर आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्लॉटर हो गया स्पीकर हो गया हेडफोन हो गया और मोनिटर हो गया तो मोनिटर स्क्रीन पर आपको चीजें दिखती हैं स्पीकर आप कनेक्ट करते हो तो आपको आवाज बाहर आती है सो दीज ऑल थिंग्स आर योर आउटपुट डिवाइस तो जो भी आपको कंप्यूटर के थ्रू बैक मिलता है यानी जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस की उसके जो उसका जो जवाब आपको मिलता है दैट इज थ्रू योर आउटपुट डिवाइसिस ठीक है यस अब हम बात करते हैं मेमोरी की रैम और रोम से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के एग्जाम में प्लस मेमोरी हैरारकी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे तो हम ये सारा कुछ करेंगे आज की क्लास में एक रिवीजन टाइप का देखेंगे हम ये एक्चुअली मैं आपको ये क्लासेस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो ये सारी चीज़ें हमने भी यहाँ क्लास में की थी तो अगर आपने सिर्फ डेली यूट्यूब पर भी क्लासेस की होती तो भी आपका ये वाला एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया होता बट अगर मैं आपसे बात करू एक सिस्टमैटिक स्टडी की अगर मैं आपसे बात करूँ एक प्रॉपर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी की तो वो आपको वही मिल सकता है जहाँ आपको फ्रॉम डे वन टिल द डी डे फाइनल डे तक आपको सब कुछ एक इनकॉर्पोरेट करके एक जगह पर मिल रहा हो आपके पास सारे क्वेश्चन हो आपके पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन हो ऑल द थिंग्स टुगेदर फॉर यू और वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेड बैचेस में ही पॉसिबल होता है क्योंकि आप वाई पर यानी यूट्यूब पर एक लिमिटेड uh, अमाउंट में ही पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं आप कब तक बैठोगे लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ आपकी सुबह क्लास 11 बजे हो रही है जैसे हम स्कूल में करते हैं और एक क्लास आपकी चार बजे हो रही है है ना अगर आपको पता है कि हाँ इन दोनों क्लासेस में जब आप अपियर करोगे तो आपको पूरे नोट्स मिलेंगे आपको सब कुछ जो पढ़ाया गया है वो मिलेगा तो आपके पास एक सिस्टमैटिक चीज हो जाएगी एक सिस्टमैटिक तरीका हो जाएगा चीजें करने का ठीक है तो इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ अगर अभी भी आप सीरियस हैं तो आप पेड बैचेस में बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं बहुत सारे आपके कॉम्बो बैचेस भी ऑलरेडी आ चुके हैं जहां आपको आपके पेपर टू के साथ पेपर वन भी मिल रहा है जैसे हिस्ट्री हो गया हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया आपका होम साइंस हो गया, ये सारे कॉम्बो बैचेस ऑलरेडी आपको पर मिल जाएंगे मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ भी कर दूंगी ठीक है चलिए तो अगर हम रैम और रोम की बात करें तो रैम और रोम दोनों ही आपकी प्राइमरी मेमोरी में आता है कैसी मेमोरी है आपकी ये प्राइमरी मेमोरी होती है ठीक है और इसमें आपका रैम आता है और रोम आता है तो रैम जो है वो टेम्पररी स्टोरेज की बात करता है और रोम जो है वो परमानेंट स्टोरेज की बात करता है ठीक है ये डेटा को एमबीज में स्टोर करता है गुड आफ्टरनून राजू और ये आपका जीबी में स्टोर करता है ये वोलाटाइल होता है वोलाटाइल मतलब जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद किया रैम की जितनी भी मेमोरी स्टोर होती है वो सारी उड़ जाती है गायब हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए बोलेटाइल होकर उड़ गए राम ने क्या किया वोलेटाइल होकर उड़ गया जैसे आपने चीजों को बंद किया ठीक है और अगर रोम की बात करें तो रोम आपका नॉन वोलेटाइल होता है यानी कि जब आप कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देते हैं तब भी जो रोम वाली मेमोरी होती है वो रहती है ठीक है उसके बाद रैम जो है वो नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ होता है जैसे कि मान लो आप यूट्यूब अभी आप अभी आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आपका रैम खर्च हो रहा है ठीक है लेकिन अगर आप कोई फाइल सेव करते हो तो वो रोम में होती है और ये आपके स्टार्टअप प्रोसेस और कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए होती है बेसिक आपका इनपुट आउटपुट जो लोडिंग होती है वो होती है थ्रू रोम ठीक है अगर आप देखो तो यहाँ पर रैम में जो राइटिंग डेटा है वो फास्टर होता है और यहाँ पर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है इसीलिए हम कहते हैं ना कि अरे अच्छे जी का रैम चाहिए इतने जी का रैम चाहिए फोन फिर लैक करने लगता है स्लो हो जाता है तो क्यों कहते हैं ये चीज़ क्योंकि रैम तब आपकी काम करती है जब आप एक्चुअली कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं वाइल्ड इन यूज और जैसे ही आपने एप्लीकेशन बंद कर दिया रैम भी बंद हो जाता है सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि रैम अच्छा होना चाहिए रैम अच्छा होना चाहिए ठीक है उसके बाद रैम में भी आपके दो तरह के रैम आते हैं डी रैम और एस राम डी रैम अगर बात करें तो डायनेमिक रैम है और एस रैम आपका स्टैटिक रैम है डी रैम जो है वो टाइनी कैपेसिटर्स से जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लीक होती है ये जो है वो इट इज सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप्स तो इस पर भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके इस इसपे ठीक है इट रिक्वायर्स अ रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेटेन डी रैम डी रैम को आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है ताकि डेटा मेंटेन रह सके एस रैम जो है वो अपने कंटेंट को होल्ड करके रखता है जब तक कि पावर अवेलेबिलिटी होती जब तक पावर है जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है एस रैम जो डेटा है उसको स्टोर करके रखता है उसको बचा करके रखता है ये इनएक्सपेंसिव है ये एक्सपेंसिव है स्लो होता है एस रैम से और एस रैम आपका फास्टर होता है ठीक है उसके बाद इट कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप इट कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप इसका स्टोरेज जो है वो स्लो होता वो जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू डी रैम इसीलिए डी रैम को हम डायनामिक रैम भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा होता है ये लेस पावर यूज करता है ये ज्यादा पावर यूज करता है लेस हीट जनरेट करता है ये ज्यादा हीट जनरेट करता है ये मेन मेमोरी में यानी प्राइमरी मेमोरी में यूज होता है ठीक है है और ये जो आपका एस रैम वो मेमोरी में यूज होता है और कैशे मेमोरी भी आपको पता है कैसी होती है वोलाटाइल मेमोरी होती है तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें रोम की तो रोम भी आपके तीन तरह का है पी रोम ई पी रोम और ई पी रोम ठीक है हाँ, तो अगर हम पी रोम की बात करें तो वो क्या है आपका आ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ये आ, रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूजर यानी कि एक कोई यूजर है वो सिर्फ एक बार इस मेमोरी को मॉडिफाई कर सकता है बार बार नहीं कर सकता है

न बी इरेज एंड रीप्रोग्राम रेपिटली थ्रू नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज तो यहाँ पर आपको यू वी लाइट की जरूरत नहीं है अगर आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू भी इसे बार बार हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं तो अगर हम बात करें पीरोम की तो ये सिर्फ एक बार मॉडिफाई हो सकता है अगर हम इरेजल की बात करें तो ये इरेज होकर के बार बार रिप्रोग्राम किया जा सकता है और अगर हम ई री पी रोम की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली बार बार रिप्रोग्राम किया जा सकता है ये इसके फीचर्स होते हैं पीरोम ईपीरोम और ईपी रोम के ठीक है ओके

ठीक है तो ये आपका मशीन लैंग्वेज हो गया ये आपकी असेंबली लैंग्वेज हो गई जो कि आपकी लो लेवल लैंग्वेज में आती है अगर हम मिडिल लैंग्वेज लैंग अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो आपके वो प्रोग्राम्स जो कि हम लिखते हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं ठीक है जो ह्यूमंस बनाते हैं उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं जैसे कि आपका कोबॉल हो गया फोर्टिन हो गया पास्कल हो गया जावा हो गया सी 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 प्लस हो गया तो ये सारी चीजें जो है वो कैसी होती हैं आपकी वो होती हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन्स बनाते हैं और मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज को हमेशा ही लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ठीक है तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो सिस्टम है जो आपका कंप्यूटर है वो चीजों को समझ पाए ठीक है तो हाई लेवल लैंग्वेज से हम लो लेवल लैंग्वेज की तरफ आते हैं थ्रू इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर ये दोनों एक ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम हाई लेवल लैंग्वेज को जो ह्यूमंस ने लिखा है अपनी लैंग्वेज में ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको हम कंप्यूटर यानी मशीन को समझाने लायक -like बनाते हैं बाय कन्वर्टिंग लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर ठीक है ओके तो ये सारी चीजें हो गई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके नंबर सिस्टम की ठीक है तो नंबर सिस्टम से आपको आपको पता है हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं सो नंबर सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ इससे जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें जिसका बेस 10 है तो इन दिस नंबर सिस्टम द डिजिट्स 0 टू 9 रिप्रेजेंट द नंबर्स एज़ इट यूजेस 10 डिजिट्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बेस 10 नंबर सिस्टम तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसके बेस पे क्या होता है

यानी कि अगर वन की वैल्यू है तो वो टेन टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे आप यहां से यहां की तरफ पहुंचते हैं इन योर डेसिमल नंबर सिस्टम ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस टू होता है अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ अ स्विच यानी कि ऑन हुआ या तो ऑफ हुआ यानी कि सिर्फ दो जो नंबर है उसे समझ आता है कंप्यूटर का ये मशीन लैंग्वेज है जो की जीरो और वन बाइनरी नंबर को समझती है ठीक है द कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो फ्रॉम द बाइनरी नंबर दीज नंबर्स रेप्रेजेंट वेरियस डेटा एज टू डिजिट्स आर यूज टू रेप्रेजेंट नंबर इट इज कॉल्ड अ बाइनरी और बेस टू नंबर सिस्टम क्योंकि यहां पर सिर्फ जीरो और वन यूज होता है इसीलिए हम इसे या तो बाइनरी या तो बेस टू नंबर सिस्टम कहते हैं सो द बाइनरी नंबर सिस्टम यूज पोजिशनल नोटेशन बट इन दिस केस ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द अप्रोप्रिएट पावर ऑफ टू बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वन जीरो वन के बेस में पावर टू है और आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इसे कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे पहले आप लोगे वन और उसके में आएगा टू 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 दावर टू फिर आएगा जीरो जीरो के पावर में आएगा इंटू टू टू दावर वन और फिर वन इंटू टू टू द पावर जीरो आएगा ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर कितने नंबर हैं दो नंबर हैं तो जो पहला नंबर है जब वो टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पावर में हम टू रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं फिर प्लस करेंगे जीरो यहां पर आया इसके बाद एक नंबर है तो इंटू टू टू पावर वन करेंगे फिर यहाँ वन लिया इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इंटू टू टू पावर जीरो करेंगे आपको पता है किसी भी नंबर की जब पावर जीरो होती है तो उसका वैल्यू वन हो जाता है ठीक है और जीरो से कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है सो यहां पर फोर प्लस वन फाइव बेस टेन जो आपका डेसिमल नंबर है वो हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं क्लियर है सभी को क्लियर सभी को कि कैसे आपने जो है इसको चेंज किया फोर प्लस वन इन इज इक्वल टू यहां पर लिख देती हूँ फाइव बेस टेन क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो डेसिमल नंबर होता है उसके बेस में क्या होता है टेन होता है ठीक है अब आ जाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ जिसका बेस कितना होता है एट होता है ऑक्टल मतलब आठ

मान लो बेस टू होता तो यहाँ पर आप क्या करते टू इंटू टू करते टू दावर वन प्लस इंटू टू टू दावर जीरो करते यहाँ पर टू तो की जगह लिख, एट आ जाएगा बाकी सब चीजें सेम रहेंगी दो के बाद एक नंबर है तो टू इंटू एट की पावर वन फाइव के बाद कोई नंबर नहीं है तो फाइव इंटू एट की पावर जीरो तो ये आ जाएगा आपका ट्वेंटी वन बेस 10 जो कि आपका डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा ठीक है ओके okay, क्लियर है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है जिसमें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है नंबर को ठीक है चलिए उसके बाद, बाद अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जिसका बेस क्या होता है बेस होता है उसका 16 क्या होता है बेस बेस होता है 16

ओके okay. उसके बाद एज द बेस इज ग्रेटर दैन टेन क्योंकि बेस टेन से ज्यादा है तो जो नंबर सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है टेन से ज्यादा अब है 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 ना तो 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 इस वजह से लेटर्स आ जाते हैं ठीक ठीक तो तक तो है। उसके बाद जो नंबर आते हैं वो आपके ए बी सी डी से रिप्रेजेंट होते हैं सॉरी जीरो तो तो पूरा आपका सिक्सटीन नंबर का ये आपका नंबर सिस्टम हो जाता है जिसका बेस सिक्सटीन होता है ये जीरो से लेकर के नाइन तक होता है जब नाइन से एक्सीड होता है क्योंकि बेस इज ग्रेटर देन सिक्सटीन तो यहाँ पर जो आगे के नंबर हैं वो एल्फाबेट्स में आ जाते हैं फ्रॉम ए टू एफ ठीक है हाँ तो ये आपका जो है वो यहाँ से नंबर सिस्टम हो गया आ, बाकी कन्वर्जन एंड ऑल आप लोगों को आ, जो है वो डिटेल में मैं बता दूंगी बाद में ठीक है तो कन्वर्जन तो आपको पता ही होगा नंबर नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है अगर आपको तो है ना फिर नंबर से मैंने बता दिया ऑलरेडी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं चलिए तो अगर हम यहाँ पर फुल फॉर्म्स की बात करें तो आपके इस एग्जाम में फुल फॉर्म से भी काफी क्वेश्चन आए थे तो आइए कुछ फुल फॉर्म्स भी देख सकते हैं हम साथ ही साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो सबसे पहले अगर कर बात करें ए एस एफ की तो दैट इज एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट सी एल आई का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सेल का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एनहैंस लैंग्वेज लर्निंग कार्बन कॉपी से क्वेश्चन आया था आपका इस बार एग्जाम में सीसी का फुल फॉर्म पूछा था विजय디오 कार्बन कॉपी डीडीएल इज डेटा ड्रिवन लर्निंग ईपीएस इज एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट जीआईएफ इज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट आईडब्ल्यूबी इज इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड आईआरसी इज इंटरनेट रिले चैट आई कॉल इज इंटेलिजेंट कॉल जेपीजी इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप उसके बाद मैट इज योर मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन एम लैट इज यन लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्टिंग एम ओ ओ इज मल्टी यूजर डोमेन ऑब्जेक्ट ओरिएपन एंड इंटीग्रेटेडम पी डी एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पी डी एफ इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मैट पी एन जी इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक पी वी पी इज पोर्टेबल वीडियो प्लेयर क्यू आर इज क्विक रिस्पॉन्स कोड आर टी एफ इज रिच टेक्सट फॉर्मैट vr ml is virtual reality markup language wwc is world wide web consortium wi-fi is wireless fidelity wap is wireless application protocol xml is extensible markup language ebdic is एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड रोम ऑलरेडी बता चुकी हूँ इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी ईपी रोम इज इरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आर ए आई डी इज रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क एस एम एस इज शॉर्ट मैसेज सर्विस और आपसे वे क्वेश्चन आया था बिच इज राइट वंस एंड रीड मैनी ठीक है तो ये सारे जो आपके बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों के फुल फॉर्म्स में आई हुई थी फुल फॉर्म्स आपको पता है आईसीटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस क्लास में मैंने आपको कुछ कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स बता दिए हैं बट अगर हम बात करें पेड बैचेस की तो वहां पर हमने एटलीस्ट अराउंड uh, हमें करने हैं टू फुल फॉर्म्स ठीक है तो एटलीस्ट अराउंड टू हंड्रेड फुल फॉर्म्स इवन मोर देन दैट क्योंकि आपको पता है कि आईसीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इवन बेसिक से तो अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे तो ए से लेकर के जेड तक बहुत सारे ऐसे चीजें हैं बहुत सारी ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपकी आईसीटी में एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारे फुल फॉर्म्स आपको याद करने होते हैं तो अगर हम पेड बैचेस की बात करें तो वहाँ पर टू टू थ्री प्लस फुल फॉर्म्स जो है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ठीक है तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं इफ यू वॉन्ट आप एट बैचेस भी ले सकते हैं ठीक है चलिए तो हम्म हम्म अगर हम बात करें मेमोरी हैरारकी की तो मेमोरी हेरारकी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं आपके तो मेमोरी हेरारकी का एक बार देख लेते हैं हम उससे भी काफी क्वेश्चन आए हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है कहाँ चला गया भाई हाँ तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरीज फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट स्पीड तो ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आया है हेलो फाहिमा ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है इस एग्जाम में आपके 2022 के एग्जाम में तो मैं यही बता रही थी कि ये जो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका लोवेस्ट स्पीड पूछा है ना लोवेस्ट तो लोवेस्ट कैसा हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज सबसे लो होगा फिर आपकी मेन मेमोरी आएगी और फिर सबसे फास्टेस्ट कैश मेमोरी आएगी और उससे भी फास्टेस्ट आएंगे आपके रजिस्टर्स ठीक है तो ये आपकी मेमरी हेरारकी पे काफ़ी क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में आए भी हुए थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से इस बार क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था बट मेमरी हेरारकी से रैम और रोम इन सब चीज़ों से फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपको आई में देखने को मिले थे सो दैट वॉज ऑल इन टूडेज क्लास आई होप कि आपको क्लास बेनिफिशियल लगी होगी आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आईसीटी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम भी हमने पढ़ लिया है बट अगर आप इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एक डिटेल ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स पढ़ना चाहते हैं देन आई वुड ठीक है कन्वर्जन एंड स्पीड ऑफ डेटा पे ठीक है कन्वर्जन पे मैं करवा दूंगी ठीक है ओके ओके ठीक है अभी हम प्रॉपरली करेंगे फिर दोस्त प्रॉपरली uh, जो है वो स्टार्टिंग से फ्राम टीचिंग एप्टीट्यूड टिल योर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट हम फिर से पूरा एक आपका कोर्स शुरू करेंगे वाइट यूट्यूब पर भी प्लस uh, अगर अगर आपको बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए लाइक प्रॉपरली तरीके से चाहिए एक प्रॉपर इनहेंस तरीके से चाहिए तो आप पेड बैचेज़ में एनरोल कर सकते हैं और अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर 24 ट्वेंटी फोर सेवन पर आपके पेपर वन के अभी पेड बैचेस ख़त्म नहीं हुए हैं चल रहे हैं आप पेपर वन और पेपर टू का कॉम्बो भी ले सकते हैं इंग्लिश के बैच का जो कि है आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो Y563 और आप ये कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं ठीक है सो बाय यूज़िंग दिस कोड Y563 आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट प्लस आपको क्योंकि पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी करनी होगी तो वो एक साथ ही हो जाएगा ठीक है हाँ और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से इन सब चीज़ों के बारे में तो क्योंकि हमारे पास वाई टी पे थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है लिमिटेड हमें टाइम कॉन्स्ट्रेन होता है सो दैट इज वाई जो आपके यूट्यूब पे जो क्लासेस जाती हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं थोड़ा सा कंटेंट लिमिटेड हो जाता है बट अगर आप प्रॉपरली आपको पता है कि हाँ आपकी एक घंटे की क्लास सुबह और एक घंटे की क्लास शाम को हो रही है आपको पता है कि हाँ बाई दी एंड जब तक आपका जो बैच है वो खत्म होगा आपके पास प्रॉपरली बहुत सारी जो कंटेंट है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा जो आप बार बार रिवाइज करके चीजों को पढ़ सकेंगे प्लस एग्जाम बेस्ड आपको यहाँ पर चीजें मिल रही हैं सब कुछ फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड डेवलपमेंट एंड एनवाइ आपको सब कुछ एग्जाम बेस्ड ही मिल रहा है इनफैक्ट तो आप, तो आप चाहें तो सिर्फ पेपर वन का भी बैच ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड बाई फाइव सिक्स थ्री और आपको मिल जाएगा सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट यहाँ पर तो मैं आपको पेड बैचेस में फाइव यूनिट्स पढ़ाती हूँ विच इज एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन हायर एजुकेशन आईसीटी एंड पीपल डेवलपमेंट एंड बाकी इंग्लिश निधि मैम मैम पढ़ाती है, आपको पढ़ाती हैं हैं रिसर्च प्रेरणा और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग आपको अभिषेक सर पढ़ाते हैं तो ये पूरा एक बैच है पेपर वन का जो आपको बहुत ही प्रॉपरली एक कंस्ट्रक्टेड तरीके से सारा मटीरियल प्रोवाइड करेगा और सारा जो जितना भी कंटेंट है वो आपको प्रॉपरली मिलेगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चलिए सो थैंक यू वेरी मच आई होप के वो क्लास अच्छी लगी हो सेशन अच्छा लगा हो इफ यू डिड लाइक द सेशन लिए कल मिलती हूँ फिर से आपसे दोपहर में दो बजे आ जाइएगा सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे क्लास को लाइव एंड मेरे साथ तैयारी करेंगे कुछ और बातें करेंगे कुछ और कल हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे चलिए थैंक यू वेरी मच टेक केयर